आमंत्रित करती हूँ। यूथ अध्यक्ष रोहित मिंच, जहाँ के काम में व्यस्त हैं, आप कृपया हमारे अतिथियों का स्वागत के लिए मंच पर आ जाएंगे। सभी को जय यीशु। इस वर्ष भी आज दिनांक 15 नवंबर 2024 को कुमलापल्ली नेशनल यूथ संडे मना रहे हैं। इस पर्व को हमारे साथ मनाने के लिए इस हॉल में उपस्थित फादर गणों, धर्म बहनों, कांदिक सभा और महिला संघ के सदस्यों और पल्ली के विभिन्न टोलों से आई युवाओं का मैं रोहित मिंच अध्यक्ष गुमलापल्ली युवक संघ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस वर्ष के राष्ट्रीय युवा रविवार का थीम इसाईयत के ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 31 से लिया गया है, जो कहता है, जो प्रभु पर भरोसा रखता है वो दौड़ते हैं लेकिन थकते नहीं। आज के समारोह मिसा के कुछ गीतों का चयन भी यू संडे के थीम को ध्यान में रखकर किया गया था। तो आइए प्रभु के इस वचन को आत्मसात करते हुए हम नेशनल यूथ संडे धूमधाम से मनाएं। पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और हमारे इस उत्सव में शामिल होने के लिए धन्यवाद। दीप प्रज्वलन के लिए कैथोलिक सभा से महिला संघ से भी आए हैं। कैथोलिक सभा से भी प्रतिनिधि के रूप में आएंगे और महिला संघ से भी सभामित्र भी आएंगे। सब कोई जोरदार तालियां बजाएंगे।
यहाँ पर उपस्थित हमारे आज के इस गुमलापल्ली युवा दिवस के मुख्य अतिथि हमारे फादर विकर जनरल फादर इमानुएल, हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद हमारे संपादक उच्च विद्यालय के फादर नवोद, हमारे सभी फादरगण, हमारे पल्ली युवा संघ के निदेशक फादर मिलियानोस और हमारी धर्म बहन सिस्टर संचालिका, हमारे युवा बेटे बेटियों, हम आप सभी को हम माता पिताओं की ओर से जय यीशु और आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय यीशु खुश परब। इससे पहले कि हम अपना गान प्रस्तुत करें, हम दो शब्द आप लोगों को हम लोग संबोधित करना चाहेंगे। आज के युवा कल के नेता, यह बहुत सटीक कहा गया है और आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग जो मंच पर हैं, एक अपना समय हम लगभग गुजार चुके हैं। हम लोग भी उस समय के शायद युवा रहे होंगे जो कि भविष्य के नेता के रूप में या भविष्य के अगुआ के रूप में काम कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप लोग इसको देखते भी हैं, तो हम आशा करते हैं कि आप लोग भी आज के जो युवा हैं वह कल की आप रीढ़ बने, विशेषकर हमारी कलीसिया के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, संस्कृति के लिए और राजनीति के लिए। हमारे जो भी विश्व में कोई भी मानव समुदाय जो संघर्षरत हैं या जो जीवन जीते हैं, उनमें धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक, ये तीन चीज़ों का हमेशा द्वंद्व चलता है और इन सभी बातों को लेकर के लोग जो है एक होने का प्रयास करते हैं, एकजुट होने का प्रयास करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप हमारे धार्मिक जीवन में, हमारे समाज के जीवन में, गांव घर टोले के जीवन में, जो पारिवारिक जीवन है, जो सामाजिक संबंध है उसमें, हमारी जो सांस्कृतिक जीवन है,
हम आदिवासी लोग हैं, आदिवासियों के अनेक सांस्कृतिक गुण हैं, उन गुणों को आप लोग जानते हैं, पहचानते हैं, भाषा के रूप में, बोली के रूप में, नाच के रूप में, गान के रूप में, और विभिन्न तरीके से हमारी जीवन शैली आप उससे भी बचा के रखें, संजोए रखें। और साथ ही साथ में राजनीतिक के बिना एक किलो टमाटर का दाम भी तय नहीं हो सकता है। बिना राजनीति के हम कहीं भी ना आगे बढ़ सकते हैं, ना हम विकास कर सकते हैं। इसलिए सभी जातियां, सभी समुदाय, सभी देश अपने अपने क्षेत्र में राजनीतिक ताकत बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं। आप लोग देखते होंगे विगत वर्षों, विगत लोकसभा चुनाव या अन्य समय में आपके माता पिता लोग, हम लोग राजनीतिक एकता, राजनीतिक ताकत को बनाए रखने के लिए हम लोग एकजुट होने का प्रयास करते हैं। आप क्योंकि अब 18 साल से ज़्यादा के आप लोग होने वाले हैं, बहुत लोग पिछले लोकसभा चुनाव में आप लोग वोट भी दिए होंगे, आप इन बातों को भी समझेंगे। और हम माता पिताओं की ओर से या समाज की ओर से जो हम लोग अगुआ लोग हैं, विभिन्न रूप में उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे। और इसी के साथ में आपके द्वारा हमारे समाज का, हमारी कलिसिया का, हमारे आदिवासियत का विकास हो सके, इन्हीं चंद शब्दों के साथ में हम आप लोगों को बधाई देते हुए प्रस्तुत करते हैं एक गीत। जगो जगो रे जग मेरे मेरे जवानो, जगो जगो रे जग लुटो मेरे युवतियो, जगो जगो रे जग लुटो मेरे जवानो, जगो जगो रे जग लुटो मेरे युवतियो। कलिसिया की सेवा में जगो मेरे जवान, जगो मेरे युवा, जगो मेरे युवा, जगो जगो रे जग लुटो मेरे जवान, जगो जगो रे जग लुटो मेरे युवा, जगो जागो जागो रे जग लुटो मेरे जवानों, जागो जागो रे जग लुटो मेरे युवतियों, लोगों की सेवा की सेवा में जगो मेरे जवानों, जगो मेरे युवतियों, देश की सेवा में जगो मेरे जवानों, जगो मेरे युवतियों, जागो जागो रे जागो लुटो मेरे जवानों, जागो जागो रे जागो लुटो मेरे युवतियों, जागो जागो रे जागो लुटो मेरे।
Yeah.
जाते हैं प्रदेश की ओर, जो वहाँ नया जाता है।
गुमला धर्म प्रांत के विकर जनरल
प्रदीपवर प्रभु प्रकाश लकड़ा ग्रामता के डायरेक्टर श्रद्धेय फादर कुलदीप कलखो ग्राम प्रांतीय सेक्रेटरी यहां उपस्थित सभी पुरोहितगण कैथोलिक सभा के सभी समिति के सदस्य हैं एवं यहां उपस्थित मेरे प्रिय युवा दोस्तों, कहा गया है उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की, अगर जीत हो जीतने की, तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। सचमुच आज का ये युवा महोत्सव हम सबों के लिए बहुत ही सुखद और मंगलमय है। जीवन की कामना हेतु अपने जीवन को क्षितिज की तलाश और उन्नति के मार्ग पर ले चलने के लिए एक थीम हम सभी को चुने हैं और वो थीम है जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे दौड़ते हैं किंतु थकते नहीं। हम इस बिंदु पर अपने विचार रखने के लिए जा रहे हैं। आइए हम सभी अपने जीवन को इस थीम पर, इस विषय वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। विश्वास ही जीवन है, हमारे क्रिस्तीय जीवन की आधारशिला प्रभु यीशु में विश्वास है। अगर सच कहा जाए तो हमारा जीवन एक यात्रा है जो सुख दुख और कांटों की श्रृंखला से होकर गुजरती है। इस यात्रा में ईश्वर हमसे हरेक को क्रूस यानी कठिनाइयां देते हैं और उन्हें उठा के आगे बढ़ने के लिए शक्ति और बल प्रदान करते हैं। निश्चय ही ये युग प्रतियोगिता की युग है। हमें दूसरों से कंपीट करने के लिए हर स्तर, हर दृष्टिकोण और हर क्षेत्र में तैयार रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस जीवन यात्रा में कोई सफल हो जाते हैं और कोई असफल रह जाते हैं। आखिर सफलता किससे मिलती है? उन्हीं को जो हर कदम ईश्वर के बताए मार्ग पर संभल संभल कर चलते हैं और यदि हाँ थक भी जाए तो ईश्वर में आराम पाते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत आज की परिवेश में हम युवा दुनियावी चीजों में विश्राम और सुख शांति पाने की चेष्टा करते हैं और कर रहे हैं। शराब पीकर, गलत संगति में रहकर और अश्लील बातों की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर हम क्षणिक सुख के लिए जीते हैं और मर जाते हैं। ये सब जीवन को बेचैनी और अंततः शून्य की ओर ले जाते हैं। आज नबी इसाईस के ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 31 हमें आह्वान करते हैं, क्योंकि नबी इसाईस आशा के नबी हैं। उनका मानना है प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। आइए हम नई स्फूर्ति की प्राप्ति हेतु कुछ बिंदुओं को अमल करें जो इस प्रकार है। पहला, ईश्वर के प्रेम का अनुभव करें। ईश्वर के प्रेम का प्रमाण आखिर क्या है?
कोई हमने अपने ही अनुरूप और प्रतिरूप बनाया है, हमें हीरा बनाया है, अनोखा बनाया है, अनमोल समझ के, और हमें फुर्सत से बनाए हैं, सबसे सुंदर और सबसे अच्छा बनाया है, और अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार हमें विवेक, बुद्धि, गुण और प्रतिभा से विभूषित किया है, और अपने जीवन को सजाने, सिंगारने और सवारने के लिए बुलाहट का वरदान दिए हैं। ईश्वर की महानता इसी में है। आइए हम एक दूसरों को देखें, प्यार से देखें और यही बोलें, झकास। चलिए हम एक दूसरों को देखते हैं प्यार भरे निगाह से और बोले झकास। दूसरा बिंदु है, इस वचन पढ़ें और समझें। गुमला धर्म प्रांत का आदर्श वाक्य है, इस वचन हमारा जीवन। सचमुच धर्म ग्रंथ को हम खुलकर पढ़ते हैं, समझते हैं, तो निश्चय ही ये धर्म ग्रंथ हमारे लिए पथ प्रदर्शक और मार्गदर्शक बनता है। जरूरत है कि हम अपने घर में रखे गए बाइबल की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें, और जिस तरह से अन्य किताबों को, उपन्यास को, पत्रिका को और अन्य प्रकार की किताबों को पढ़ते हैं, थोड़ा धर्म ग्रंथ की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए जरा समय निकाल कर इस पर अध्ययन करें और अपने जीवन के लिए कुछ बिंदुओं को अमल करें। तीसरा है प्रार्थना। प्रार्थना एक माध्यम है ईश्वर की शक्ति को अनुभव करने के लिए और उससे जुड़े रहने के लिए, व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से और सामुदायिक रूप से, ताकि हम एक मन एक चित होकर जीवन यापन करें। चौथा है चर्च और समुदाय के साथ जुड़े रहें। भौतिक रूप से हम अपने शरीर को पौष्टिक आहार से तृप्त करते हैं और अपने पूरे शरीर को दुरुस्त और तंदुरुस्त रखते हैं, ठीक उसी तरह और उससे ज्यादा अपने आध्यात्मिक जीवन को दुरुस्त रखने के लिए संस्कारी जीवन यापन करने की अति आवश्यकता है। हमें यूकारिस्तीय समारोह में भाग लेने हैं, पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण करके अपने में मेल मिलाप, परिवार में, समाज में और कलीसिया में एकजुट होने की आवश्यकता है। अरस्तु कहा गया है, अरस्तु ने कहा है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, यूनानी दार्शनिक होने के नाते ये हमें यही याद दिलाना चाहते हैं कि हम समाज में रहते हैं और समाज में होने के नाते एक दूसरों पर आश्रित होकर अपने समाज में जो संगठन बनी है उससे तटस्थ और सशक्त बनाने के लिए हमें जो गांव में, परिवार में, कलीसिया में परंपरा है, संस्कृति है, रीति रिवाज है, दस्तूर है, उसके अनुरूप आचरण करें और दूसरों को जीने के लिए प्रेरित करें। पांचवा है अपने विश्वास को गहरा करें। विश्वास ही जीवन है। आज के दूसरे पाठ के माध्यम से संत याकूब हमें याद दिलाए, अपने कर्म के द्वारा विश्वास प्रकट करें,
साक्षी बने, वचन और आचरण के द्वारा तथा संपूर्ण जीवन के द्वारा अपने आप को दूसरों के समक्ष एक गवाही बनने के लिए तैयार करें। छठा है, अन्य विश्वासियों से सीखें। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। एकजुट रहें तो हम खड़े रहेंगे, विभाजित रहें तो हम बिखर जाएंगे, गिरेंगे। आज हमें दूसरे मजहब के लोगों से सीखने और उनके जीवन तथा अन्य गतिविधियों से प्रेरणा लेने की जरूरत है। एकता और सहानुभूति तथा सहयोग की भावना को अपनाने की जरूरत है। आज हम अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने गांव में, अपने टोला में, मोहल्ला में बिखेर रहे हैं, बट जा रहे हैं और कहां खो जा रहे हैं, और हम एक दूसरों की दुख और दर्द को महसूस करने में चुप जा रहे हैं। इसलिए जरूरत है कि हमें जिस तरह से अन्य धर्मावलंबी दूसरे भाई बहन एक दूसरों से मिलकर अपने मजहब में एकता को बनाए रखे, भले ही वे आपस में लड़ाई भिड़ाई करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर एक साथ संगठित होते हैं। आज हमें भी जरूरत है संगठित होने के लिए, एकता में बने रहने के लिए, और ईश्वरीय प्रेम में पोषित होते हुए जो विश्वास हमने ग्रहण किया है उसे अपने जीवन के द्वारा प्रज्वलित करने के लिए। सातवां है, अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। जो परिवर्तन आप अपने घर में, परिवार में, समाज में और कलीसिया में देखना चाहते हैं, वो परिवार, वो परिवर्तन सबसे पहले स्वयं में होनी है। क्योंकि कहा जाता है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन स्पीच। कथनी से ज्यादा प्रभावशाली करनी है, आप करके दिखाइए। आप जैसे युवाओं की इस समाज में, इस कलीसिया में मांग है। अगर आप अपने गांव में, अपने घर में, अपने परिवार में सही राह पर चलेंगे, अच्छी तरह पढ़ेंगे और अपने जीवन को सजाने, सिंगारने और संवारने के लिए अच्छे कदम बढ़ाएंगे, स्वतः ही नन्हे मुन्ने जो छोटे हैं वे आपके पदचिन्ह पर चलने के लिए स्वतः ही अपने आप को तैयार करेंगे। अन्यथा हम बिखर जाएंगे, माता पिता का कहना को नहीं मानेंगे, हमारे समाज और कलीसिया के जो अगुवे हैं उनकी बातों को नहीं मानेंगे, हो सकता है हम आने वाली पीढ़ी के लिए ठोकर का कारण बन सकते हैं, हो सकता है उनके लिए हम गलत नमूना बन सकते हैं। आइए, जरूरत है इस युग में, इस परिवेश में अपने को संभालने के लिए और आने वाली पीढ़ी को संभाल कर रखने के लिए। आठवां है, ईश्वर की सेवा करें। ईश्वर ने हमें हीरा बनाया, अनोखा बनाया, अनमोल समझकर, अपने ही प्रतिरूप, अपने ही अनुरूप। आखिर क्यों? टू नो हिम, टू लव हिम एंड टू सर्व हिम। उसे जानने के लिए, उसे प्यार करने के लिए और उसकी सेवा करने के लिए आज हमें जरूरत है। ईश्वर को जानें, उससे प्यार करें और उसकी सेवा करें। हमारे गांव घर, हमारे अड़ोस पड़ोस में
जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, दबे कुचले लोग, बीमार से पीड़ित, निसहाय, कमजोर, अपाहिज, ऐसे लोगों की सेवा करने के लिए हम जैसे युवाओं की आवश्यकता है, उनके लिए समय देने की आवश्यकता है, दुख दर्द सुनने की आवश्यकता है, और इन्हीं कार्यों को करके ही हम ईश्वर को जान सकते हैं, उससे अपना प्यार प्रकट कर सकते हैं और उसकी सेवा कर सकते हैं। सचमुच मेरे युवा दोस्तों, जीवन एक झरना है। झरना का स्वभाव है निरंतर बहना, और निरंतर बहकर सौंदर्य का संगीत उत्पन्न करना। ठीक उसी तरह जीवन में जब यौवन आता है, पूरी जोश, उमंग, जुनून, ऊर्जा और स्फूर्ति लेकर आता है, कुछ करने के लिए, कुछ करके दिखाने के लिए हमें तमन्ना होती है, जुनून होती है, क्योंकि हम सभी को विभिन्न प्रकार के गुणों से कूट कूट कर भरे हुए हैं, हम में प्रतिभा की कमी नहीं है। आज जरूरत है हम सबों को सर्वप्रथम जीवन रूपी झरना के द्वारा स्वयं को सींचे और जरूरतमंद लोगों को सिंचित करें। धन्यवाद, धन्यवाद। अग्नि की ज्वाला को किसने छुआ है, अग्नि की ज्वाला को किसने छुआ है, लोगों को क्या पता कि हम अंगार से बीते झलकने वाली युवा है। देखें
किया। एलन एक अच्छे परिवार का लड़का है। वह अभी अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रहा है। उसने अपने मन में बहुत सारे सपने संजोए रखा है अपने लिए तथा अपनों के लिए, परंतु वह अपने गलत मित्रों की संगति में आकर अपने राज से भटक जाता है। एगो बर्दन बाप तोर मेरा नहीं हुए एखन तक सुतले रहबे वोट जल्दी हाथ पड़ी ना की करे जाने। वोट जल्दी या क्या जल्दी क्या लगे बिहान बिहान वोट जल्दी जा हार पड़े नहीं कर पे सोई तो क्या खा पे हाँ इतना जल्दी कह दू जल्दी जा तो खन लतिया के भेजबू ठीक है। ए गोवर्धन उठ रहे स्कूल नहीं जाबे जा कौन ठीक जा हर ज्योति के एकने गेले उठ के पिए बिहान 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 कते ही नहीं से पिए ले जवान घरी तो इसन करबू उसन करबू बंगला बनवाबू बिल्डिंग बनवाबू कहत के खान वो घरी तो ढाके पड़े जादी बात है कमाए का होगी बहुत कमाए क्या है इतनी जादी जादी बात है जा धोवा के आओ धोवा के देबे की गुड़िया बुढ़िया कर और भेजो फिर गाने बटे जल्दी लाने तो देख बे हाँ हाँ लेगा तो बहुत गुड़िया है गलम बस को खुश हो ले 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 हाँ आगे दी दी तू चार हथरी आगे दे ही है पांच चले भी बोल ले राइट करी तो खा ले नहीं तो बाकी भाग के नहीं खाबे बाकी भाग के खाबे नहीं काका लगे बहुत कमाए का है तो कि मैं गरम गरम तातल भात देखो मगर खा लेंगे हाँ फिर खा देखो नहीं तो ये तो मैंने खाए लगे मार को नहीं मगर खा लेंगे मगर खा लेंगे लगे नहीं जा नहीं चला एक खान आओ आ तो घर आओ तो के देख बे खान आओ ये खान तक मुझे भी आओ देख माय के माँ कैसन मत मिले के माँ Thank you.
थोड़ा प्रोजेक्ट का काम है। नहीं जा पाएंगे दोस्त। अबे चल ना, एक बार जाएगा ना तब ना जाने का भी मजा। तो फादर भी क्या है, दोस्तों की बुरे संगति में नहीं पड़ना। अबे फादर उधर का बात सुनता है, उन लोग का परवाह करते ना काम है, उन लोग का जवानी का मजा कहाँ देखा है। नहीं दोस्त नहीं जा पाएंगे। चल ना मैं उधर चल, तुमको दिखाते हैं कैसे टनक टनक मार। नहीं दोस्त नहीं जा पाएंगे। चल ना मैं, एक बार जाएगा ना मजा जान जाएगा। देखो ना बे, माल खाना खा, देखा पूरा लिपस्टिक लगाई है। नजर मत लगाइएगा, हमें शर्म आती है।
कौन सा वाला लीजिएगा? उज्जैन चरका वाला पीजिएगा? हाँ चरका वाला पीते हैं हम। अच्छा चढ़ने के लिए दीजिए। ले लीजिए ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे रहते हैं। सोलिटा है नहीं कर तो मैं तो आप लोगों को कही कि पहले ही आ जाइए, तो आप लोग बाद में आ गए। अरे क्या करेंगे, चखना भी पड़ता है, धोखाधड़ी भी हो जाता है ना। कितना चाहिए दीजिए ना। लीजिए दोस्त। लो दोस्त तुम भी पियो। नहीं पीते हैं दोस्त, आज का पियो ना बंडा चकना के साथ में, मजा आ जाए। नहीं पिएंगे दोस्त। अबे पी के देखो ना, उसके मत में मजा देखना, पीने का मजा क्या है क्या जानता है बे, जवानी पर गया मैं। हल्का सा ही तो बोल रहे, थोड़ा सा हल्का सा ले लो ना। ठीक था, एक गिलास ले लेते हैं। अबे दोस्त बढ़िया लगा, और एक गिलास दो ना। अरे दे दो दे दो दे। तुमको पहले ही ना बोले थे दोस्त, अच्छा लगता है, आप सुनते हैं कहाँ। इसीलिए आप लोग रोज जाते थे कॉलेज भाग भाग के, इसीलिए तो जाते हैं हम लोग, दिल्ली का तो धंधे है हम लोग के, अड्डा है। अभी जाने दोस्त, माल भी कैसे है दिख रहा है। हाँ दिख तो रही है, इसीलिए आप लोग रोज आते हो यहाँ पर चक्कर। कितना हुआ था? 21। अरे मैंने 21 रुपया बोला क्या? आजकल का छुआ मारे खोता से निकले नहीं थी नहीं, और खाली है एक नहीं हो मुझे छेड़ा था। दोस्तों मैं वह बीज हूँ जो रास्ते के किनारे पड़ा, मैं एक अच्छा ईश्वर भक्त परिवार था, हर दिन ईश्वर का वचन सुनता और उसके अनुसार चलने की प्रयास करता था, परंतु उस जैसा दोस्तों ने मुझे बिगाड़ के रख दिया। मैं भी कितना स्वभाव इंसान हूँ, लेकिन समझा नहीं। ये वो बीज है जो बोया गया लेकिन उगने से पहले ही शैतान आकर उसे ले गया। आगे सुनो, बोते बोते कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे,
परंतु जैसे ही सूरज आई वे झुलस गए और सूख गए। क्यों दोस्त लुड़कू, मेरा काम का क्या हुआ? अरे गांजू भाई, हमने तो पहले ही बोल चुका था, आपने जो घर का नक्शा बनाया है वो एक तिहाई हिस्सा सरकारी कब्जे पर है, उसे मैं पास कैसे करूं? अरे लुड़कू जी, तुम भी ना कैसे बेवकूफ जैसे बात करते हो। क्या मैं तुम्हें मुफ्त में काम करा रहा हूँ? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, पकड़ा गया तो बहुत बेइज्जती हो। पकड़े जाओगे तब ना, सरकार भी हमारी कानून भी हमारी। फिर भी दिल नहीं मानता। अरे दिल के टट्टू, दिल मानता नहीं, मनवाना पड़ता है। चल ये ले एडवांस। पॉकेट खर्चा ले दीजिएगा। अरे यार लुड़कू, तुम भी ना, लो रखो। अगर पैसे का जरूरी पड़े ना तो हमको याद करना, दोनों जाके बस स्टैंड में भीख मांगेंगे। लुड़कू कतई बुरा आदमी नहीं था, पर वह उस बीज के सदृश था जो पथरीली भूमि पर गिरा। ये वे लोग हैं जो ईश्वर के वचन को तो बड़ी प्रसन्नता से सुनते और ग्रहण करते हैं, परंतु उसमें बीज नहीं है। ये बड़ी मुसीबत आने या कोई परेशानी आने पर तुरंत ही अपने राह से भटक जाते हैं। सुनो, कुछ बीज कांटों के ऊपर गिरे, उगने से पहले ही कांटों ने उन्हें दबा दिया। चली चमक छल्लो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? रोज रोज लड़कियों के पीछे चक्कर काटते रहते हो, क्या तुम्हारी कोई बहन दीदी नहीं है? हाँ, लेकिन हमको तो गर्लफ्रेंड की जरूरत है। क्या रास्ता में हम ही लोग दिख गए क्या? लेकिन आपके जैसे
रशिया कहाँ मिलेगी? अच्छा आप हमें रशियन समझते हैं क्या? लगती तो है। ऐसा क्या आपके घर में माँ बहन नहीं है क्या? है, लेकिन हम ना गर्लफ्रेंड समझते हैं ना। ऐसा क्या? हम लोग गिरजाघर जा रहे हैं, आज प्रवचन है। गिरजा उर्जा जा रही है, उस दिन देखे लड़का लोग के साथ ऐसे घूम रही थी, अब गिरजा जाने का बहाना कर रही है। कहाँ पर देखे था? ऐसे पूरा मटक मटक के चल रही है। नहीं, यहाँ से हटो। देखो ना वे भगवा भगवा। सपने थे, अरमान थे, लेकिन कुछ ही समय में मुझे एहसास हुआ कि मेरे चारों ओर ऐसे क्रूर, निर्दयी और भयानक आते हैं जिसने मेरे जीवन की जीवन की रोशनी गीता कोई सस्ते या बच्चन किस्म की लड़की नहीं थी, वह एक अच्छे घर की लड़की थी, पर कुछ खूंखार लोगों ने उन्हें अपने शरीर का हवस बना दिया और उसके जीवन में अंधेरा ला दिया। उज्जवल एक अच्छे परिवार का लड़का था। वह कई कठिनाइयों और मुसीबतों का सामना करके एक अच्छा पुरोहित बना। उसने अपने जीवन में कई कठिनाई और दुखी देखी, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और एक अच्छा पुरोहित बनकर लोगों की सेवा कर रहा है और अपना जीवन फलदायी बना रहा है। मित्रों,
एक छोटी सी बीज में बहुत सी ताकत होती है। एक छोटी सी बीज हजारों लाखों करोड़ों पेड़ पैदा कर सकते हैं। आप क्या बनना चाहते हैं ये आप पर निर्भर करता है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, यदि हम ईश्वर के साथ मिलकर कार्य करें तो हम फल ला सकते हैं। कोई 10 गुना, कोई 100 गुना, कोई 50 गुना, कोई 1000 गुना। तो ये हमारा छोटा सा प्रोग्राम यही समाप्त होता है। तेरा जिधर का हो
तेरी बाहों तलक ही है ये सफर मेरा। ओ माही 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 लो मैं कयामत तक हुआ तेरा। ओ माही माही रे ओ माही ओ माही मेरी वफ़ा पे हक हुआ तेरा, मेरी वफ़ा पे हक हुआ तेरा। बातों को बहने दो बाहों में प्रेम वादा कर के सादी वादा
जाबे इतनी आँख मर बोले लागे दीबे तू आँख मर बोले पीछे पड़ जाबे दियारे ना गोसाबे मोर से मिले चाहिए वो कैसे है पप्पू? क्योंकि चोरों की नजर हमेशा पराए धन पर होती है। अभी आ रहे आधुनिक नाच को लेकर बरसा नकली टोली, इसके बाद तैयार रहेंगे आदिवासी नाच को लेकर करंट टोली।
मैया के पर पर है रे मुन सजनी कर गावरे कैसे मिले ले हमें गोरे सजनी कैसे बताबू दिल के हाल रे मुके देना Thank you.
जन्म है आदिवासी संस्कृति अजगुत दौर है और नाम और అంటే పోదు నమ్ము ముందు నుంచి అందరన్న మాటే గాని మళ్ళీ అంటున్నానేమ్ము ఇది చెప్పకుండా ఉచితము ప్రేమ నా బలే నన్ను నమ్ము మాయమ్మ పేరు తలబనోళ్ళు నేరు మెసిరి కళాకారుల ఫ్యామిలీ
चीन मारता बैठी पाना आप जैसा इंसान आपकी तारीफ के लिए शब्द ही नहीं मेरे पास आपकी तारीफ के लिए शब्द ही नहीं मेरे पास बस इतना समझ लीजिए आप ही हैं हमारी इस महफिल की जान आप ही हैं हमारे लिए इस महफिल की जान तो अभी मैं हमारे विधायक गुमला विधानसभा श्री भूषण तिर्की को मंच पर आमंत्रित करती हूँ तो आप लोग जोरदार ताली गुमला पल्ली के अंदर अंतर्गत आज यहाँ पल्ली के इस हॉल में इंडियन क्रिश्चियन यूथ मूवमेंट कैथोलिक डायसिस ऑफ गुमला के अंतर्गत कार्यक्रम में यहाँ मुख्य रूप से फादर यूथ के डायरेक्टर फादर मिलियानुस और मंच में उपस्थित संत पात्री कुंज विद्यालय के प्रधान अध्यापक फादर नाबोर मिंच कार्तिक सभा डायोसिस के अध्यक्ष धर्म प्रांत के अध्यक्ष शेत कुमार एक्का जी गुमला धर्म प्रांत महिला संघ की नेत्री फ्लोरा मिंज जी और मंच में उपस्थित कैथोलिक सभा महिला संघ युवा संघ के तमाम सभी छोटे बड़े इस कार्यक्रम में शामिल तमाम सभी सम्मानित लोगों को हम अपनी ओर से दिल से हृदय से जय जिसु करते हैं जोहार नमस्कार जय जाति ये मैं आप लोगों के बीच में आप लोगों से रूबरू होने का मौका आप लोगों का प्रेम और आप लोगों का स्नेह आप सभी लोगों के बीच रूबरू होने का मौका आप लोगों ने दिया है इसके लिए मैं यूथ के तमाम सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी युवा साथियों ने कुछ समय के लिए हमें जरूर अपने दिलों में स्थान दिया है इसके लिए आप सभी लोगों को हम अपनी ओर से शुक्रिया करते हैं धन्यवाद करते हैं कि युवा भी आज लोगों को याद करते हैं मैं आप लोगों के बीच में हूँ बहुत कम समय लेट से विलम्ब से आप लोगों के बीच पहुंचा हूं जिसके लिए हम आप सभी लोगों से खेद व्यक्त करते हैं क्योंकि हम लोगों की कार्यक्रम इतनी व्यस्तता रहती है और उस व्यस्तता में समय को समय के साथ चलना थोड़ा विलम्ब से पहुंचना पड़ता है क्योंकि अभी हम ये जय किसान उच्च विद्यालय माझा टोली से कार्यक्रम कर यहाँ यूथ के कार्यक्रम में आया हूँ और वहाँ फादर जैक पैकार्ड के नाम से वहाँ भी युवाओं को उत्साहित और प्रोत्साहन देने प्रेरित करने के मकसद से वहाँ भी अंतर विद्यालय फुटबॉल टूर्नामेंट का 9 प्रखंड के लोग का जुटान हुआ है वहाँ के कार्यक्रम को आधा अधूरा छोड़कर मैं आप लोगों के बीच में चुकी
यूथ की ओर से मेरे को निमंत्रण था कि आप जरूर यहाँ आइए। मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि मैं भी आप जैसे एक दिन युवा था और मैं भी अपने स्कूल के जीवन में, कॉलेज के जीवन में, मैं भी आप जैसे युवाओं के समान यूथ के कार्यक्रम में हमेशा शरीक रहता था। पता नहीं आज वो उस समय में, हम लोग के समय में आईकप हुआ करता था, मरिया मार्ग हुआ करती थी और मैया मार्ग के साथ और भी कई यूथ के नाम होते थे, लेकिन मैं कॉलेज के समय में आईकप में हमेशा अपनी कार्यक्रम में शामिल रहता था और मैं कई बार, मेरे को अवसर यहाँ के युवाओं ने, यहाँ के पल्ली ने, यहाँ के कैथलिक सभा महिलाओं संघ का, महिला संघ का प्रेम और प्यार मिला था कि मुझे आईकप में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के रूप में यहाँ से नेतृत्व करने का मुझे अवसर मिला था। आज मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि मैं कोई आज जरूर यहाँ से जनप्रतिनिधि हूँ, लेकिन मैं भी आप ही जैसे युवाओं के बीच से निकल करके मैं आज धीरे धीरे इस राजनीतिक जीवन में आकर के आज राजनीति के मंच पर खड़ा हूँ। मैं भी चाहूँगा कि आप भी युवाओं से लोग निकल करके आवें और निकल करके आकर के कोई राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़े और राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ने के साथ आप कोई बड़े 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 अधिकारी के रूप में आप लोग, युवा लोग बने और बड़े अधिकारी के साथ बड़े बड़े कुछ स्थानों पर आप लोग पहुँचिए जहाँ पर सभी लोग पहुँचना चाहते हैं। यहाँ पर हैं जो युवा संघ के सदस्य अस्थाई हैं या अस्थाई हैं, लेकिन आप चाहे अस्थाई हों अस्थाई हों, हमारी कलिसिया में कैथलिक सभा महिला संघ युवा संघ ये कलिसिया के रीढ़ हैं, जो कलिसिया के नीति निर्धारण में हमारी कलिसिया के अगुओं का, चाहे पल्ली पुरोहित हो या बिशप स्वामी हो, उन लोगों का साथ देते हैं कंधा से कंधा मिलाकर। और इसीलिए